नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड जगत से एक बुरी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अभिनेता मुकेश खन्ना के भाई का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि मुकेश खन्ना के भाई सतीश खन्ना हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है वो ये कि वो कोरोना की जटिलताओं से जूझ रहे थे और इसी बीच उनको हार्ट अटैक आया। इस बात की पुष्टि मुकेश खन्ना ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए दी है। बता दें आपको, महाभारत और शक्तिमान में प्रमुख भूमिकाएं निभाने वाले मुकेश खन्ना के घर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनके भाई, जिनकी उम्र लगभग 84 साल थी, पेशे से वो बिजनेसमैन थे और एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, काफी उनको पसंद था स्पोर्ट्स खेलना, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मुकेश खन्ना ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार होने के बाद मेरे बड़े भाई सतीश खन्ना होम क्वारंटीन हो गए थे और डॉक्टर के बताए गए तमाम एहतियात बरतते हुए दवाइयों का सेवन कर रहे थे। 8 अप्रैल को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी आई थी, लेकिन शनिवार की दोपहर को बेहद कमजोरी उनको महसूस हुई। भाई साहब को अचानक से हार्ट अटैक आया और वो अपने बड़े बेटे की गोद में चल बसे। बता दें 84 साल की उम्र थी सतीश खन्ना की और वो गोल्फ खेलना बहुत पसंद करते थे और खुद इस बात की जानकारी भी मुकेश खन्ना ने दी है। उन्होंने कहा, ना सिर्फ गोल्फ बल्कि और भी कई ऐसे गेम्स थे जो वो बचपन से लेकर खेलने के शौकीन थे और इस उम्र तक भी वो जब उनको वक्त मिलता था तो वो खेलते थे। बहुत जिंदा दिल इंसान थे। बता दें मुकेश खन्ना इन दिनों कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पैसों, अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी और जो हालात बन रहे हैं इनको लेकर लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं और इसको लेकर चर्चाओं में हैं। और इन सबके बीच ये जो खबर आई है उसने मुकेश खन्ना के परिवार को सदमे में ला दिया है। न सिर्फ फिल्मी जगत के सितारे, न सिर्फ टीवी जगत के सितारे, बल्कि आम आदमी भी, यानी कि जो फैंस हैं मुकेश खन्ना के, वो भी ऐसे वक्त में उनको सांत्वना दे रही हैं और मजबूत रहने के लिए दुआएं कर रही हैं। बहरहाल ये पूरी खबर मुकेश खन्ना और उनके भाई से जुड़ी हुई थी। आप बताइए इस पर आपका क्या कहना है और साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय हमें बताना मत भूलिएगा।